अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फैसल खालिक एंड वेलकम टू माय चैनल जॉब्स एंड टिप्स। तो न्यू जॉब्स की अपडेट्स के साथ मैं आपके सामने हूं जो कि हैं सिंध पुलिस में। इसमें कैसे अप्लाई करना है, एप्लीकेशन फॉर्म कैसे डाउनलोड करना है और क्या प्रोसीजर है, वो सारी डिटेल्स हम इसी वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखें, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द पोस्ट ऑफ पुलिस कांस्टेबल BPS 5 इन ट्रैफिक पुलिस कराची रेंज। तो ये कराची रेंज के लिए हैं, 2838 वैकेंसीज़ हैं इसमें। उसके अलावा जो इसकी क्वालिफिकेशन वगैरह यहाँ पर मेंशन है, जो है कि है मैट्रिक पे, और उसके अलावा इसकी जो फिज़िकल स्टैंडर्ड है वो है 5.5 इंच जो है हाइट। उसके अलावा चेस्ट 33 इंच विद एक्सपेंशन। उसके अलावा रनिंग 1600 मीटर्स इन 8 मिनट्स। उसके अलावा जो इसका इम्पॉर्टेंट नोट है वो आपने देखना है, उसमें क्या है कि आपकी जो इसकी एप्लीकेशन फ़ी है वो है 290+50, यानी कि 340 रुपीज़ आपने पे करने होंगे। फर्दर मोर, एप्लीकेशन के साथ आपने कोई डॉक्यूमेंट वगैरह नहीं भेजना, बस CNSE आप भेज सकते हैं। उसके अलावा जो है फर्दर इसमें यह है कि नो TIDA विल बी गिवन, और उसके अलावा द नो रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट इज़ अलाउड। तो ये इसका इंपॉर्टेंट नोट है, ये खुद भी आप रीड कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑलमोस्ट वही होता है जो कि प्रीवियस जो वैकेंसीज आ चुकी हैं उनमें हैं। तो ये सेम चीज़ें हैं और ऑलमोस्ट फीस भी सेम ही है PTS की। तो इसमें अप्लाई कैसे करना है वो अब चीज़ जो इंपॉर्टेंट है वो हमने देखनी है कि इसमें हाउ टू अप्लाई। तो अब हम हाउ टू अप्लाई पे आते हैं कि इसमें अप्लाई आखिर कैसे करना है। तो अप्लाई करने के लिए आपने फर्स्ट ऑफ ऑल तो PTS की वेबसाइट पे जाना है, www.pts.org.pk पे। तो उस पर फॉर्म डाउनलोड करने के बाद, उसको फिल करने के बाद, आपने PTS हेडक्वार्टर 3rd फ्लोर अदील प्लाजा फजल हक रोड ब्लू एरिया इस्लामाबाद पे सेंड करनी है उसकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है। उसकी लास्ट डेट जो है 20/5/2022 है, उस डेट तक आप सेंड कर सकते हैं। तो इसमें PTS में हम देखते हैं कि PTS की वेबसाइट से आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं फॉर्म। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल, अब जब आप PTS की वेबसाइट ओपन करेंगे तो ऑल प्रोजेक्ट्स में फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल 3rd या 4th नंबर पर आपको ये जॉब्स मिलेंगी जो हैं सिंध पुलिस डिपार्टमेंट कराची SPD 500। तो आपने व्यू डाउनलोड्स पर क्लिक करना है। व्यू डाउनलोड्स पर क्लिक करने के बाद हमें जो है 3 ऑप्शंस मिलेंगे, जो हैं एडवर्टाइज एप्लीकेशन फॉर्म है और डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ कराची है। तो एडवर्टाइजमेंट हमने देख ली है, उसके अलावा हम डिस्ट्रिक्ट्स चेक करते हैं कि कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिसमें जिसका डोमिसाइल आपके पास होगा तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें, कराची रेंज में सिटी डिस्ट्रिक्ट कराची है, कराची सेंट्रल, कराची ईस्ट, कराची साउथ, कराची वेस्ट, क्यामाड़ी, कोरंगी, मलिर, तो ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं। इनका डोमिसाइल अगर आपके पास है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो फर्दर मोर हम एप्लीकेशन फॉर्म को देखते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म को ओपन करते हैं। तो हमने यहाँ पर इसको ओपन किया तो इसमें ऑलमोस्ट वही इन्फॉर्मेशन जो आपने प्रीवियस एप्लीकेशन फॉर्म में फिल की हैं वही हैं, यानी कि अपना नेम, उसके अलावा फादर नेम, CNSE वगैरह से इंटर करना है, उसके अलावा मोबाइल नंबर और परमानेंट एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस, उसके अलावा जो एजुकेशनल इंफॉर्मेशन है वो भी आपने ऐड करनी है, और उसके अलावा जो आपका रेंज है वो आपने टिक करना है यहाँ पर। तो इसमें जो स्पेशल इंस्ट्रक्शंस है वो ऑलमोस्ट सेम है जो हमने वहाँ पर देखी थी। उसके अलावा PTS की अपनी इंस्ट्रक्शंस है वो खुद आप रीड कर सकते हैं। उसके अलावा जो है ये फॉर्म ऑलमोस्ट उसी तरह है जैसे पहले के फॉर्म आते हैं, लेकिन आपने इंपॉर्टेंट चीज़ जो नोट करनी है वो ये है कि बहुत से लोगों के जो नाम की मिस्टेक होती है, उसके अलावा जो है उनका CNSE गलत हो जाता है, बोलते हैं कि हमारा नंबर सही नहीं लिखा हमने, तो ये मिस्टेक्स आपने नहीं करनी ताकि आपको फिर कोई मसला ना हो। उसके बाद आपने चालान डाउनलोड करना है, और चालान डाउनलोड करने के बाद आपने उसको जो एप्लीकेशन फॉर्म के साथ भेजना है, जो आपको मैंने एड्रेस बताई थी उस पर। तो ये सारा इसका जो है प्रोसीजर है कि आपने अच्छे से इसको फॉर्म को फिल करना है, और इस ये एप्लीकेशन फॉर्म जो है अपनी जो एड्रेस इसकी गिवन है उस पर सेंड करना है। होप कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। डू सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।